हेलो स्टूडेंट्स, वॉलेंट्री हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ के लेक्चर पार्ट थ्री में आप सबका स्वागत है। इसी टॉपिक पर दो वीडियोस पार्ट वन और पार्ट टू पहले अपलोड हो चुके हैं। आप इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए उन वीडियोस को भी अवश्य देखें, उनका लिंक आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन बॉक्स में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एनजीओ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं उनमें उसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। वह है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1949 में हुई थी। FPA इंडिया के पास लगभग आप समझ सकते हैं कि 70 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है प्रजनन एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने का। यह केंद्र और राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों सबके साथ मिलकर साझेदारी के रूप में कार्य करती है। वर्तमान में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक प्रमुख नागरिक सामाजिक संगठन है जो भारत के 18 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, जिनमें जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, पूरा यानी डेवलपमेंट अच्छी तरह से वो डेवलपिंग हैं, उन में ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ के क्षेत्र में कार्य कर रही है। अब हम देखते हैं कि फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन के मुख्य कार्य क्या है। बहुत सारे कार्य जो फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया करती है जो फैमिली वेलफेयर से संबंधित हैं, जैसे नंबर वन, प्रजनन और स्वास्थ्य और परिवार नियोजन क्लिनिक्स को कंडक्ट करना। ये फिक्स्ड क्लिनिक्स होते हैं जो यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करते हैं। इनमें सेक्सुअल काउंसलिंग, गर्भ निरोधक सेवाएं, आपातकालीन निरोधक और सुरक्षित गर्भपात आदि की सेवाएं शामिल है। दूसरा इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है सेवा वितरण का आउटरीच मॉडल। आउटरीच मतलब कि जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहां पर भी कुछ क्लिनिक्स उन्होंने बनाए हैं। ये सैटेलाइट क्लिनिक के रूप में कार्य करते हैं। ये समुदाय के करीब होते हैं जो प्रशिक्षित प्रदाताओं द्वारा वहां पर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सर्विसेज प्रदान की जाती हैं। तीसरा है मोबाइल आउटरीच। मोबाइल आउटरीच एक विशेष क्लिनिक है जो मोबाइल वैन्स के ऊपर सेट किया गया है और जो भी अनरीच्ड एरियाज हैं वहां पर जाकर वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसमें गर्भ निरोधक मुख्य रूप से सर्विसेज और इसके अलावा भी हेल्थ सर्विसेज इनमें इनके द्वारा प्रदान की जाती है। चौथा इम्पोर्टेंट कार्य है समुदाय आधारित प्रदाता। समुदाय आधारित प्रदाता वो प्रशिक्षित वॉलेंटियर्स या स्वयंसेवक हैं जो कम्युनिटी में परिवार नियोजन की सुविधाएं, जो साधन हैं, उनको वितरित करने में सहायता करते हैं। अगला है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो यौन रोग हैं उनको रोकने के लिए भी काफी प्रयासरत है, चाहे STD हो, चाहे HIV एड्स हो, उनको रोकने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा देना भी एक महत्वपूर्ण कार्य फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया का है। इसके अलावा जो अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन हैं, इवन मेन हैं, उनको भी महिलाओं के रोगों के बारे में और उनको हेल्थ एजुकेशन और सेंसिटाइजेशन का कार्य FPA के द्वारा किया जाता है। महिलाओं और जो लड़कियां हैं उनको विशेष कौशल के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का कार्य भी और उसके लिए प्रोत्साहित करने का कार्य भी फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया करती है, ताकि वो लोग डिसीजन मेकिंग में समर्थ हो सकें, चाहे वो परिवार कल्याण से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की एक्टिविटी हो। तो ये प्रमुख एक्टिविटी जो गतिविधियां हैं वो आप फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया में शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि इन तीनों जो लेक्चर्स हैं इसमें हमने मुख्य रूप से वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज को, पांच एजेंसीज का डिस्कशन किया है। इन पांचों को आप
अच्छी तरह स्टडी करें, इनके नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के लिए आप ब्लॉग की सहायता ले सकते हैं। मेरे ब्लॉग का जो लिंक है वो भी इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।